एक मिनट एक मिनट, इनको भी ये ले लो, मारो मारो। एक मिनट, क्या है बोलने का? कैसी लगी तुम्हें? चलो बाइट कर लेते अरुण, अरुण बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एंड यू नो तापसी की जितनी भी मूवीज़ होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती ही हैं। अनुराग कश्यप की वो जितनी भी फिल्म्स बनाते हैं, वासेपुर ले लीजिए या जितनी भी फिल्म, वो अलग ही टाइप की बनाते हैं। सो दोबारा इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट फिल्म। बट येस, मैंने पता नहीं अभी तक सबको पता है कि नहीं पता, बट आई फेल्ट इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ मिराज, जो कि एक फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पर। सो वो उस तरीके की मुझे लगी है ये। एंड बट यू नो अडेप्टेशन में भी यू नीड टू हैव ब्रेन्स टू मेक इट वेल। जैसे लाल सिंह चड्ढा भी आई थी, इट वॉज एन अमेजिंग अडेप्टेशन ऑफ फॉरेस्ट गम। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी तरीके से अनुराग कश्यप ने इसको बनाया है। लाल सिंह चड्ढा का आप बात किए तो लाल सिंह चड्ढा को लोग बायकॉट भी कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं बायकॉट, नहीं करना चाहिए। सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, मैंने तो ट्वीट भी डाला था कि इट इज़ यू नो एन एपिक फिल्म विच इज़ इन द हिस्ट्री नाउ। एंड यू नो कोई भी ऑस्कर विनिंग फिल्म का अडेप्टेशन नहीं बना है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा जिसका फॉरेस्ट गम का अडेप्टेशन है, एंड ब्यूटीफुल अडेप्टेशन। मुझे नहीं लगता कि बायकॉट करना चाहिए, बिकॉज यू नो यू विल लाफ, यू विल क्राई, यू विल स्माइल थ्रू आउट द फिल्म, सारे इमोशंस हैं। इट इज़ अ मस्ट वॉच, एंड दोबारा इज़ ऑल्सो मस्ट वॉच। आई एम द स्क्रीनिंग ऑफ दोबारा, वी टॉक अबाउट दोबारा। दोबारा में काफ़ी हॉरर भी ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। नहीं वो ना वैसा लगता है कि वो हॉरर है, बिकॉज प्रेजेंट पास्ट को लेकर के जो कहानी है वैसा है। इट्स अ साईफाई सॉर्ट ऑफ अ थिंग, थ्रिलर साईफाई काइंड ऑफ अ थिंग। सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स नॉट हॉरर, वो आपको लगता है हॉरर, बट ज़रूर जाइए देखिए। और सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, वो बहुत लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू। एकता मैम सामने देखिए, मैम यह सेंटर एकता मैम यहाँ पे मैम योर सेंटर थैंक यू सो मच। आप उसे पूछिए, दूसरी बताइए। दूसरी मैं आपसे खबर लेने आया हूं, सर्टिफिकेट क्यों बना रही हैं आप? ये मैम मैंने भी सुना है, जब तक मैं बनाऊं नहीं कुछ बनता नहीं है। आई एम नॉट येट मेकिंग एनीथिंग। आपको मुझे अगर खुशखबरी देनी है और या कंग्रेचुलेशन करना ही है तो इस बात के लिए करिए कि वी आर टुडे आई थिंक sitting on a in a time where you know people are releasing big films and they're having a like it's tough to release a big film
एंड वी आर कमिंग विद दिस स्मॉल फिल्म फुल ऑफ गट्स इन द थिएटर. So that's a reason enough to be saying congratulations. लेकिन बनना तो चाहिए, वो फिल्म थी बहुत खूबसूरत. और इस मतलब ये खबर सुनने के बाद मुझे लगा इतनी सुंदर फिल्म वो बन सकती है, उसका बन रहा है. थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई माई बेस्ट. लेकिन आपने सोचा कभी कि मुझे नहीं पता कि ये बन भी रही है डर्टी पिक्चर 2? मैं एक्चुअली दोबारा की बात करूँ, मैं बोलने वाली नहीं हूँ, आपका सवाल का जवाब नहीं देने वाली हूँ. एकता जी, जो भी अभी तक ने दोबारा देखा है, आ रहे हैं लोगों को बहुत पसंद आ रही है, आप कैसे देखती हैं? मैं एक्चुअली मैंने एक बहुत क्लियर कट, अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मूवीज़ का बहुत टफ टाइम चल रहा है. बट आई एम सेइंग मैंने बोला ना कि इनको वही कि डर्टी पिक्चर 2 के कॉन्ग्रेचुलेशन से पहले इस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतनी छोटी फिल्म हम थिएटर्स में लेकर आ रहे हैं. बिकॉज वी बिलीव दैट, आई रियली बिलीव दैट वी कैन ट्राई एटलीस्ट टू ब्रिंग द ऑडियंसेस बैक. आपको अच्छी लगी? थैंक यू. लोगों का सभी का ऐसा रहना है कि आप फिल्म देखने जाना है तो आपको दिमाग आपका लेके जाना पड़ेगा. क्या आप घर पे छोड़ सकते हैं अपना दिमाग? नहीं नहीं, काफ़ी ध्यान से देखनी पड़ेगी. टाइम के ऊपर है तो कभी पास्ट में जाके कुछ ऐसा चेंज करना हुआ एकता जी को, लाइक कुछ भी, तो क्या कुछ चेंज करना चाहेंगी आप? अगर मेरे पास एक ऑप्शन होगा तो दो चीज़ें चेंज करना चाहूँगी मैम. एक, जब मैं पास में जाके मेरी अम्मा जो अभी नहीं है दुनिया में, उनके साथ कुछ लास्ट साल होते हैं ना, कुछ साल होते हैं अपने क्लोज वंस, उनके साथ मैं और वक्त बिताऊं. उस वक्त मेरा क्योंकि शुरू हो गया था और मुझे टाइम नहीं मिला उनके साथ, वो एक चेंज करना चाहूँगी. और मैंने पहली बार जब चॉकलेट खाया था वो दिन चेंज करना चाहूँगी, बिकॉज शुगर इज़ द रीज़न फॉर ऑल माई प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ माई प्रॉब्लम, सो दैट आई वुड लाइक टू चेंज. एकता मैम, हाल ही में एक मूवी आई लाल सिंह चड्ढा, वो लोग जम के बायकॉट कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब बायकॉट से हमने देखा कि फिल्म को लॉस भी हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है, सीजन में भी कितनी अजीब बात है कि हम उन लोगों को बायकॉट कर रहे हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बिजनेस दिया है. द खान्स एंड स्पेशली आमिर खान इज़ अ लेजेंड, कांट बायकॉट हिम, ही कैन नॉट बी बायकॉटेड. यू कांट बायकॉट the soft ambassadors of India. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much. Pura aise ghus पर होल्ड, यहाँ पर होल्ड, जोर से बोलो, एली
नमस्ते। अरे ओ